बजट इजाद किया गया जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, सीएमआईई की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कागार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं, यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे, अब आप महंगाई जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक 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 लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या आया? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे, दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है, एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया गया। और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया हो। और यहां तक कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें या इंटरनेट के अलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ाए गए हैं एटसेट्रा, इनको समाप्त करना चाहिए। थैंक यू सर।